फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स की जिनको आप अपने घर में लगा सकते हैं अगर आपके घर में अच्छी खासी धूप नहीं आती है तो भी। फर्स्ट प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है ये फाइकस मिनी। इसे धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे छाया वाली जगह पसंद है। इस प्लांट की बॉन्साई बहुत सुंदर बनती है और ये प्लांट बहुत लंबा भी नहीं होता है। इस प्लांट की लंबाई 1 से 1.5 फीट तक ही होती है और ये प्लांट कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। देखिए, इसकी कटिंग मैंने अपने दूसरे गमले में लगाई है। नेक्स्ट प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है ये स्पाइडर प्लांट। ये बहुत अच्छा ह्यूमिडिफायर प्लांट है और बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है, इसलिए इसे आप अपने घर में ब्राइट लाइट एरिया में इंडोर भी रख सकते हैं और इस प्लांट को वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। नेक्स्ट प्लांट जो हमारी लिस्ट में है ये कोलियस है। इस प्लांट को अगर आप धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियों का कलर फेड हो जाएगा या हल्का पड़ जाएगा और इसकी पत्तियां जल भी सकती हैं क्योंकि इसे सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे ऐसे फ्रेंड जिनके घर में सनलाइट नहीं आती है फिर भी वो प्लांट लवर हैं पर सनलाइट की वजह से अपने घर में प्लांट नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो इनमें से कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो ये ब्यूटीफुल सा पर्पल हार्ट वाइन है। देखिए, इसमें फ्लावरिंग हो रही है इस समय पर और इसने देखिए नया पंप भी निकाला है। इस प्लांट को ब्राइट लाइट बहुत पसंद है। नेक्स्ट प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो ब्यूटीफुल सा क्रोटॉन है। क्रोटॉन बहुत ज़्यादा वराइटीज में अवेलेबल है। मैंने ये ग्रीन और येलो वाला लगा रखा है। इसे देखिए मैंने अपनी स्टेयर्स पे रखा है जहाँ पर सनलाइट कभी नहीं आती है, फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये सारे ही प्लांट आप इंडोर भी रख सकते हैं। ये सारे प्लांट आर्टिफिशियल लाइट से सनलाइट का काम चला लेते हैं क्योंकि ये सन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस प्लांट को भी सनलाइट की नीड नहीं होती है, इसे भी मैंने अपने स्टेयर्स पे ही रखा है। इस प्लांट को ब्राइट लाइट पसंद है और इसे पानी की नीड भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट प्लांट जो है हमारे पास वो है ये ट्रियो स्टार या प्रेयर प्लांट। देखिए, इस प्लांट को मैंने सोचा कि 2-3 घंटे की मॉर्निंग की धूप में रख दिया जाए पर ये प्लांट मेरा देखिए जल गया है, तो इसे भी धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उठाकर मैंने अपने स्टेयर्स में इसको रखा है। आई होप ये कि कुछ दिनों में ये प्लांट फिर से ग्रो करने लगेगा। नेक्स्ट प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है ये वॉन्डरिंग ज्यू या जेब्रा वाइन कहते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। देखिए, इसे मैंने अब हैंगिंग बास्केट में ही लगा रखा है और इसे मैंने अपने आंगन में रखा है। इस प्लांट के रिपोर्टिंग की वीडियो मैंने शेयर कर रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है ये अम्ब्रेला प्लांट। इस प्लांट को भी अच्छी खासी वेंटिलेशन चाहिए होती है, इस प्लांट को भी सनलाइट की नीड नहीं होती है। ये सारे ही प्लांट आप इंडोर रख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को कुछ दिनों में 10 से 12 दिन में आप बाहर निकालिए, ऐसी जगह में रखिए जहां सनलाइट ना आती हो पर फ्रेश एयर मिले, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।